मुंबई पुलिस को सलाम। मैं हुसैन शरीफ, भारतीय मुस्लिम दलित पार्टी का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। आज मैं ये एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिसके बारे में आया उसका नाम है बिल्किस बानू। ये बिल्किस बानू वो विक्टिम है, ये 2002 में जो गुजरात में राइट्स हुआ उस वक्त की ये विक्टिम्स है। और इनको बाकायदा इनके ख़ानदान के सामने इनको रेप किया गया। उस टाइम पे ये 5 महीने की अमल भी थी, लेकिन कंटिन्यू इन्होंने जंग लड़ना छोड़ा नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है, उस औरत को जो साथ दिया वो है शोभा गुप्ता, ये वकील का नाम है। उन्होंने भी उसका साथ दिया और लास्ट में उन्होंने उस केस को जीत कर बहुत बड़ी बात की। उन्होंने सवाल ये पैदा होता है मेरे भाई, हमारे पास इतना उलमा काउंसिल है, उलमा कमेटी है, फलाने उलमा है, इमाम की कमेटी है, अभी थोड़े दिन में कारियों की कमेटी आएगी, फिर मूर्तियों की कमेटी आएगी। सवाल ये होता है कि 70 साल में जो हम बार बार बोलते हैं भारतीय मुस्लिम दलित पार्टी कि हमारी अपनी एक लीगल कमेटी होना चाहिए माइनॉरिटी हर स्टेट में, ये इसलिए हमको ये मिसालें देना पड़ता है कि इंसाफ सबको मिलता है, कानून सबके लिए है। और सबसे बड़ी बात, उस जजमेंट के हिसाब से उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट को भी झाड़ा है। और वहाँ के जो उस वक्त के 7 आदमी थे जिसमें से 5 पुलिस वाले थे और 2 डॉक्टर थे, 218 IPC कानून के हिसाब से उनको डिसमिस किया गया, उनकी इंक्वायरी की गई। और उसमें 2 डॉक्टर थे, उनको भी जो है इसलिए उनको सजा मिली कि उन्होंने जो है रिपोर्ट में गड़बड़ करने की कोशिश की। तो बोलने का मतलब यह है कि जो बार बार हम बोल रहे कौन उसका साथ दिया, ऐसी एक बिल्किस बानू नहीं है। आज 70 साल में 30,000 राइट्स हुआ है इस हिंदुस्तान में, आज़ाद होकर देश तो आज़ाद हो गया। अफसोस की बात है कि अब तक कई ऐसी कौमें हैं जिनमें हम भी है जो आज़ादी के लिए हमको वापस कानून का सहारा लेना पड़ेगा। कानून जो है आपको सब कुछ देता है, इसलिए हम ये मिसालें देते हैं। बहुत सारे NGO है, बहुत सारी ये पॉलिटिकल पार्टियां है, अब आ गया इलेक्शन का टाइम, वोट मांगेंगे, वोट के बहाने वो नोट कमाएंगे, फिर अब रमज़ान का महीना है, लोग आएंगे मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पे, यतीम बच्चों के नाम पर, ये सब पैसा। अरे पैसा लो आप, मना नहीं है, सवाल ये तक आप काम क्या करते हो कौम के लिए। ये सवाल जब तक मुसलमान पूरी की पूरी कौम इन लीडरों से और उलमाओं से इमामों से अगर सवाल नहीं करेंगे मेरे भाई, पता नहीं कितनी बिल्किस बानू आने वाले ज़माने में ऐसी ये हरकतें करते रहेंगे। इसलिए भारतीय मुस्लिम पार्टी ये फैसला इस इलेक्शन के बाद, और हम गुजारिश करते मुसलमानों से, हम ये नहीं कह रहे कि हमको 1 रुपये की नोट दो और हमको वोट दो, हम खिदमत खल्क करने वाले लोग हैं। सबसे पहले अल्लाह कहता हुकूकुल अल्लाह हुकूकुल इबाद, ये 2 चीज़ों का कहा। लेकिन आज जो सिस्टम चल रहा है हुकूकुल इबाद की तो बात करता है, लेकिन हाँ हुकूकुल अल्लाह की बात करते हैं लेकिन हुकूकुल इबादत की बात कोई नहीं करता। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ उस लेडीज़ को जिन्होंने कंटिन्यू, और उसका रिजल्ट ये निकला है कि उनको 50 लाख रुपया भी मिला, घर भी मिला और गवर्नमेंट की नौकरी भी मिला। ये कौन दिया? ये कोई मुसलमानों ने नहीं दिया, बल्कि हुकूमत ने दिया, कानून ने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये व्हाट्सएप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुसलमान भाइयों को ये व्हाट्सएप भेजो, और जो सामने आपके लोग जो आते हैं जो काम कुछ नहीं करते हैं, वोट मांगते हैं और जकात मांगते हैं, चंदा मांगते हैं मदरसे के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, अब उनसे ऐसी सवाल करना शुरू करो। जब आप हमारे लिए कुछ नहीं करते हो तो फिर आपको क्या हक बनता है कि हमारा वोट हम आपको दे के दिए और हमारा जकात जो है आपको दे। जकात अपने गरीबों को दो, रिश्तेदार को दो, कुरान देखो, कुरान देख कर
ये जकात दिया करो, उसमें सबसे पहले अपने रिश्तेदार है, उसके बाद गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, इनको दिया करो। आज के लिए इतना। जय भारत, जय महाराष्ट्र। मुंबई पुलिस को सलाम।